मित्रों, आपने कभी ना कभी महाकवि कालिदास के नाम तो सुना ही होगा, जो प्राचीन भारत के संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाटककार थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि असल में महाकवि कालिदास एक निरक्षर और मूर्ख थे। दोस्तों, भले ही विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है। दरअसल महाकवि कालिदास अपनी युवावस्था तक बिल्कुल मूर्ख और अज्ञानी थे, और इनके विद्वान बनने की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, बहुत समय के पहले भारत के उज्जैन शहर के पास एक राजा रहता था, जिसका एक विद्वान और सुंदर बेटी थी, विद्योत्तमा। बता दे, दरअसल राजकुमारी को अपनी विद्या पर बहुत गर्व था, और वे अक्सर राजा के दरबार में बुद्धिमान लोगों को बुलाती थी, जिसको देख वे सभी उसे नापसंद करने लगे थे, लेकिन बाहरी तौर पर राजकुमारी को दिखाने से डरते थे। मित्रों, एक दिन जंगल में घूमते रहे बुद्धिमान लोगों के एक समूह ने एक बहुत ही असामान्य दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर बैठा था और उसे डाली को काट रहा था जिस पर वे खुद बैठा था, और अंततः जब डाली कट गई तो वे नीचे गिर गया। दोस्तों, बता दे, जिसका नाम कालिदास था, और इस मूर्खतापूर्ण दृश्य को वहां से गुजर रहे पंडितों ने देख लिया। मित्रों, बता दे, दरअसल अहंकारी राजकुमारी किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, और इसी अत्याचार के चलते उन पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेना चाहा, और इस मूर्ख कालिदास को वर के रूप में प्रस्तुत करने का फैसला किया। मित्रों, जिसके बाद उसकी मूर्खता छुपाने के लिए पंडितों ने कालिदास से कहा कि वे ये दिखावा करे कि वे दरअसल कोई महान ऋषि है जो मौन व्रत धारण किया है। मित्रों, जिसके बाद पंडितों ने इसकी सहमति पर उसे रानी के सामने पेश किया और कहा कि वे केवल इशारों के माध्यम से संवाद करेगा। मित्रों, जिसके बाद राजकुमारी ने कालिदास को अपनी तर्जनी उंगली दिखाई, जिसे देख कालिदास तुरंत दो उंगलियां दिखाकर उत्तर दिया। दोस्तों, क्योंकि उसको लगा कि राजकुमारी का इरादा शायद उसके कांक फोड़ना था, और वे स्पष्टतः उससे आगे निकालने की सोच रहा था। दोस्तों, जिसके बाद पंडितों ने इसका संकेत समझाया कि ईश्वर एक है और इसका कोई दूसरा रूप नहीं, सर्वोच्च ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा। मित्रों, आगे बढ़ते हुए राजकुमारी ने पांच इंद्रियों को इंगित करने के लिए अपनी पांच उंगलियां दिखाई, जिसके बाद कालिदास को लगा कि शायद राजकुमारी उसे थप्पड़ मारने की सोच रही है। मित्रों, इसलिए कालिदास ने अपनी मुट्ठी दिखाई, जिसको देख राजकुमारी को लगा कि पांचों इंद्रियों को वश में करने से परम महानता प्राप्त हो सकता है। मित्रों, अंततः इस प्रकार कालिदास से प्रभावित होकर उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मित्रों, कालिदास की मूर्खता बहुत समय तक छिपी नहीं रह सकी, और शादी की रात कालिदास ने कुछ ऐसा बेहुदा बात उकल दी कि राजकुमारी को एहसास हुआ कि वे बस एक मूर्ख से शादी की है, जिसके बाद राजकुमारी क्रोधित होकर कालिदास को महल और अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। मित्रों, जिसके बाद निराश कालिदास अपनी जान लेने का सोचा और इधर उधर घूमते रहा, जब तक वे नदी के तट पर नहीं पहुंच गया। बता दे, कालिदास ने नदी के किनारे कुछ महिलाओं को कपड़े धोते हुए देखा, और उसने गौर किया कि जिन पत्थरों से महिलाएं कपड़ों को कूट रही थी, वे दरअसल चिकने और गोल थी, लेकिन अन्य पत्थर काफी अजीब थे। मित्रों, इसको देखकर कालिदास को एहसास हुआ कि यदि कपड़े घिसने से पत्थर घिस सकता है और अपना आकार बदल सकता है, तो ज्ञान की मार पड़ने से उनकी मोटा और मूर्ख दिमाग क्यों नहीं बदल सकता। और इस प्रकार कालिदास देश के सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति बनने के लिए कृत संकल्प हो गए, और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बौद्धिक गतिविधियों पढ़ना, ध्यान करना, और अपनी देवी काली से दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। मित्रों, कहा जाता है कि माता काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे जितने भी ग्रंथ या जितनी भी किताबों को स्पर्श करेगा और देखेगा, वे सब ज्ञान उसमें चला जाएगा। मित्रों, ये थी महाकवि कालिदास की एक छोटी सी कहानी। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक आई गए हो तो ऐसे और अमेजिंग जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस छोटी सी गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे मित्रों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर ऐसे और वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।